विभूति स्मारक अग्रोहा शक्तिपीठ तीर्थ स्थल से प्रारंभ हुई कुलदेवी महालक्ष्मी जी की जन आशीर्वाद यात्रा रविवार को गुरुग्राम पहुंची। इस दौरान गुरुग्राम के विधायक सुधीर सिंगला, अखिल भारतीय युवा सम्मेलन के प्रदेश सचिव, भाजपा अर्जुन मंडल के उपाध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता समेत अनेक अगर समाज के लोगों ने इस यात्रा का भव्य स्वागत किया। इस यात्रा के साथ साथ अग्रवाल समाज के राष्ट्रीय धर्माचार्य नर्मदा शंकर भी मौजूद रहे। इस अवसर पर विधायक सुधीर सिंगला ने कहा कि जन जन आशीर्वाद देने के लिए विश्व शांति सुख समृद्धि की कुलदेवी आद्या महालक्ष्मी जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत एक सार्थक प्रयास है। अग्रवाल समाज ने सदा जन सुखी के होने के साथ साथ हर सुख में दुख में उनका साथ निभाया है, आज भी यह परंपरा चली आ रही है। महाराजा अग्रसेन के संदेशों को अग्रवाल समाज भी आज भी लकीर की फकीर मानकर काम करता है। उन्हें समाज के लोगों को आह्वान किया कि इतिहास को मजबूत करते हुए वह अपने जीवन पर्यंत महाराज अग्रसेन के विचारों, उनके क्रियाकलापों को आगे बढ़ाना है, पीढ़ी दर पीढ़ी उनको आगे पहुंचाना भी है। बात करें अशोक गुप्ता जी ने बताया कि आग्रह में निर्माणाधीन आठवें महालक्ष्मी अष्टलक्ष्मी जी के मंदिर में सहयोग करने के लिए कम से कम एक ईंट देने का आह्वान इस यात्रा के माध्यम से किया जा रहा है। यात्रा के माध्यम से आग्रह धाम से दूर दूर दराजों से क्षेत्रों में बैठे समाज के लोग की सुख शांति समृद्धि की कामना के साथ उन्होंने इस पवित्र कार्य से जोड़ना है। उन्होंने पूरा विश्वास कि पूरा अग्रवाल समाज इस काम में अपना सहयोग करेगा। कुलदेवी की यात्रा तो निकाली जा रही है, तो उसको लेकर गुरुग्राम जैसे शहर में तो क्या कहना आपका इसको लेकर? सबसे पहले देखिए, मैं तो इतना ही कहूँगा, कुलदेवी की यात्रा 18 प्रदेशों के अंदर निकाली जा रही है और सभी प्रदेशों के अंदर रथ हमारे चल रहे हैं। पहले रथ हमारा चला था जिनसे जन जागरण हुआ था, अब रथ हमारा चल रहा है अपने मैन टू मैन अप्रोच करने के लिए। तो 15 दिन के लिए गुड़गांव के लिए आया है रथ, और मैं तो कहता हूँ कि भाई ये रथ यात्रा है सुख समृद्धि के लिए और अच्छी सेहत के लिए, दे यही मंगल कामना कर रहे हैं। और वहाँ पर आगे अग्रोहा के अंदर जब जाएगा तो वहाँ पर भव्य मंदिर बन रहा है, उसके अंदर स्थापित हो जाएंगे। गुरुग्राम में कहाँ कहाँ यात्रा शुरू होगी सर? देखिए, अभी तो अशोक जी गुप्ता जी के हैं, कल मित्तल जी, ईश्वर मित्तल जी हैं जो मेरे पास बैठे हुए हैं, उनके पास जाएगी रथ यात्रा। इसी तरीके से जो है हमारे पास हमारी रथ यात्रा चलेगी, और 11 तारीख को महाराजा अग्रसेन जी पर हम एक जो है वो जो उनका मंगल पाठ होता है वो शाम के टाइम हम 7 बजे के करीब शुरू कराएंगे, और 7 से 9 हमारा मंगल पाठ 11 तारीख को होगा अग्रवाल वैश्य समाज के अंदर सेक्टर 4-7 के अंदर। 1 जुलाई से 15 जुलाई तक यात्रा चलने वाली है, तो लोगों के गुरुग्राम वासियों के लिए क्या मैसेज होगा इस यात्रा के तुरंत? बस ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े ताकि लोगों को अग्रसेन जी महाराज के बारे में पता लगे, अग्रवाल समाज के बारे में पता लगे, यही प्रचार हम कर रहे हैं। माता लक्ष्मी जी की यात्रा का शुरुआत गुड़गांव शहर के अंदर मेरे द्वार से हो रही है। माननीय विधायक जी यहाँ हैं, माननीय सुंदरदास अग्रवाल जी जो हमारे मुख्य बॉडी के जिलाध्यक्ष हैं, माननीय मित्तल जी, माननीय गोपाल जी, सभी लोग हैं, इन सबका यहाँ आना हुआ माता लक्ष्मी जी की कृपा से। मैं तो चाहता हूँ सभी गुड़गांव वासियों पर इसी तरह माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे और अग्रवाल समाज के साथ साथ पूरे देश में कभी कोई भूखा न सोए। जय हिंद, जय भारत। अरे जी, आज देखा जाए तो रथ का गुड़गांव में आज का ही है, 1 से 15 तक के लिए है। अभी हेलीमनी से यहाँ आ रही है और 10 दिन गुड़गांव में रहेगी, इसके बाद बादशाहपुर सोना जाएगी। सभी से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में लक्ष्मी माता का आशीर्वाद लें। लक्ष्मी माता किसी एक धर्म की नहीं है, लक्ष्मी माता वो सभी धर्मों के लिए है। महाराज अग्रसेन का एक सभी एक सिद्धांतर है समाजवाद का, सबके लिए है। तो एक से एक धर्म का ना हो पूरे संपूर्ण जाति के सुख एवं कल्याण के लिए। जी, मैं आचार्य नर्मदा शंकर और अग्रवाल समाज का राष्ट्रीय धर्माचार्य हूँ और जयपुर निवास करता हूँ मैं। पिछले 5 महीने से आज महालक्ष्मी जन आशीर्वाद रथ यात्रा जो कि 12 फरवरी को अग्रवाल शक्तिपीठ हिसार के पास से निकली है, हरियाणा के कैबिनेट मंत्री माननीय कमल जी गुप्ता ने हरी झंडी दिखा करके रवाना की है, और पूरे देश भर में 18 रथों के माध्यम से 11 लाख किलोमीटर की यात्राएं तय करेंगे। उनमें से एक रथ जो पिछले 3 दिन से गुरुग्राम के इस जिले में प्रवेश किया है और आज यहाँ पर शक्तिनगर में माता रानी का रथ आया है, तो ये जो रथ आज यहाँ पर आया है
ये हरियाणा हिमाचल और पंजाब की यात्रा करता हुआ कई हजार किलोमीटर चल करके अनेक जिलों का भ्रमण करता हुआ यहाँ पर आया है और 1 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई तक पूरे इस गुरुग्राम में ये भ्रमण करेंगे। और मैं सभी के लिए माता रानी के चरणों में नमन करते हुए प्रार्थना करूँगा कि आज महालक्ष्मी सब पर कृपा करें और मंदिर निर्माण के लिए आप सभी का जन जन का सहयोग, जो कि अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन की योजना है, उसके अनुरूप वो मंदिर बने। मंदिर की बहुत बड़ी भव्यता है, 108 फीट लंबा चौड़ा, 108 फीट ऊंचा, 108 किलो माता रानी की चांदी की मूर्ति बनेगी, 108 किलो का आसन बनेगा और साथ ही साथ जो अष्ट लक्ष्मियाँ विराजमान होगी उस मंदिर में वो भी चांदी की मूर्तियाँ बनेगी। ऐसा भव्य दिव्य माता रानी का मंदिर वहाँ पर बनने जा रहा है, उसके लिए देश भर में कम से कम 2 करोड़ अग्रवाल परिवारों के साथ साथ 36 बिरादरी के लोगों को जोड़ने का काम हम लोग कर रहे हैं और सब मिल करके अपने घर परिवार से एक एक ईंट का सहयोग करेंगे तो करोड़ों रुपए का सहयोग होगा और वो बहुत बड़ा मंदिर बन करके तैयार होगा जो कि जन आस्था का केंद्र बने। सर, इस यात्रा को निकालने का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण है वहाँ जो मंदिर बन रहा है उस मंदिर के प्रति लोगों की भावना को जोड़ने का है और जैसा कि मैंने बताया कि 18 रथ के माध्यम से देश भर में 11 लाख किलोमीटर की यात्रा करके और कम से कम 2 करोड़ परिवारों को हम लोग जोड़ेंगे। आज जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं सुबह से बड़ा सभी भाव विभोर होकर के माता रानी की आरती कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं, वैसी कृपा माता रानी सब पर बनाए रखें। की लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।